पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान की तरफ से फखर जमान ने आज तबाही मचा दी है। न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो कि बिल्कुल दुरुस्त साबित न हुआ। न्यूजीलैंड की शुरुआत ही में विकटें गिरने शुरू हो गई। पाकिस्तानी बॉलर शुरू में हावी रहे। मोहम्मद आमिर की 4 साल बाद कम बैक हुई। मोहम्मद आमिर ने भी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। दूसरी एंड से शहीन चापरीदी ने भी न्यूजीलैंड की बैटिंग को तहस नहस कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम 154 रन बनाने के बाद आउट हो गई। पाकिस्तान को 155 रन का टारगेट मिला। पाकिस्तानी ओपनर सैम अयूब और फखर जमान ने लाठी चार्ज शुरू किया। एक एंड तो सैम अयूब ने संभाले रखा, लेकिन दूसरी एंड से फखर जमान ने पावर हिटिंग की। फखर जमान ने न्यूजीलैंड के किसी भी बॉलर को ना बख्शा। फखर जमान ने ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक खेले। फखर जमान ने अपनी इस गेंद में 7 बुलंदों वाला छक्का और 9 चौकों की मदद से 83 रन बनाए। फखर जमान पे आउट हो गए, लेकिन सैम अयूब ने भी 30 रन की गेंद खेली। यूं पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को पहले प्रैक्टिस मैच में 7 विकेटों की शिकस्त दे दी थी। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हुए। पाकिस्तान ने यह मतलूबा 18वें ओवर में पूरा कर लिया। जो पाकिस्तान की इस जीत पे आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट जरूर करें। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज में कौन जीतेगा, आप इस बारे में भी अपना राय जरूर दीजिए।